शमशान गए हैं ना, सभी लोग गए हैं ना, कितने लोग गए हैं? मैं चाहूंगा, महिलाएं बहुत कम जाती, मैं चाहता हूं हर महिलाएं शमशान जरूर जाए, अगर कोई मर जाए तो महिलाएं जरूर जाया करें। समाज में यह परंपरा कम से कम हम अपनी तरफ से स्थापित करना चाहेंगे कि महिलाएं जरूर जाए शमशान में, क्योंकि शरीर के प्रति सबसे ज्यादा मूर्छित महिलाएं होती है। महिलाएं दिन भर शरीर का श्रृंगार करती रहती है, उनको पता है, बाकी तो कोई हमें पूछेगा नहीं, इसलिए लिपस्टिक पाउडर साड़ियां चेंजर, ये चेंजर वो चेंजर, कभी ये कट वाला ब्लाउजर, कभी वो कट वाला ब्लाउजर, कभी यहाँ के कट वाला बाल और कभी वहाँ के कट वाली वो, कभी घोंसला छाप बाल की कटिंग करेंगे, कभी ये वाली छाप, कभी जुल्फों वाली कट, और वो दिन भर अपने शरीर के श्रृंगार में रहती है। इसलिए हर महिला के पास पर्स होता है और पर्स में पेपर सोप जरूर होता है। दिन में 10 बार कहीं भी जाना हो, है कोई आ रहा है, फट बाथरूम में गए, एक साबुन घिसा और मुंह गोरा वोरा कर करा के आ गए। उनको पता है कि भाई हमें लोग हमारे काया के कारण पूछेंगे, बाकी कोई नहीं पूछने वाला। भाई लोगों सावधान, चौथी पत्नी यहीं छोड़ के चली जाएगी, चौथी पत्नी यहीं छोड़ कर चली जाएगी। शमशान जरूर जाया करो, क्योंकि जो परिणाम ध्यान से नहीं मिलता, जो परिणाम ध्यान से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, वो परिणाम शमशान में मिल जाया करता है। जब भी किसी के घर जाओ, कोई मर गया तो वहां जाकर के आंसू मत ढुलकाओ, वहां जाकर के 5 मिनट उस शरीर को देखो और देख करके ये बोध प्राप्त करो, ये आत्मबोध प्राप्त करो कि इस शरीर में अब ऐसा क्या था कि जिसके कारण ये जीवित था, और ऐसी क्या चीज निकल गई जिसके कारण ये मृत हो गया है। वही गाल है उसके मृत शरीर के भी वही गाल हैं, वही भेजा है, वही खोपड़ी है, वही बाल है, वही डाई किए हुए बाल हैं, वही पेट है, वही छाती है, वही कमर है, वही बैठ के हैं, सबकी फूली फूली, भाई सबके वही की वही है। पर एक चीज क्या क्या, जोर से बोलो तो, थोड़ा जोर से बोलो तो, क्योंकि आप भूल गए हैं उसे, क्योंकि आप उसे भूल चुके हैं, इसलिए जोर से बोलने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि एक चीज वहां से निकल गई, सब कुछ वही है, पर अब उस आत्मा को नाम आप लाइफ एनर्जी कह दो, जीवन शक्ति कह दो, रूह कह दो, आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, सॉल कह दो, शब्द बदल रहे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन एक ताकत थी जो उसमें से निकल गई। याद करना होगा और ये बोध जगाना होगा, मैं आत्मा हूं। आपका नाम चाहे जो, इससे मुझे तो कोई प्रयोजन नहीं, आपका जो भी नाम है, आप जो भी नाम छपाएं, जो भी नाम लिखें, वो केवल एक व्यावहारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, पर रात को सोने से पहले एक बार अपना इंटरव्यू जरूर लीजिएगा और अपने आप से कहिएगा, बाकी सब आरोपण है, मेरा तो एक ही नाम है और वो है मैं आत्मा हूं। रात को सोने से पहले जाती सीधा पढ़ मत जाइएगा, बिस्तर में गए जाती सीधा पढ़ मत जाइएगा, सोने से पहले 1 मिनट का प्रतिक्रमण पहले कर लीजिएगा, 1 मिनट का प्रतिक्रमण पहले कर लीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, ईश्वर को याद कीजिएगा और ईश्वर को याद करके हाथ जोड़कर कहिएगा, हे प्रभु जी, हमारे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं। रात को सोने से पहले 3 बार ये प्रतिक्रमण का ये एक लाइन का पाठ अपने आप में बोल करके, प्रायश्चित करने का ये पाठ बोल करके फिर सोइएगा कि हे प्रभु जी, मेरे द्वारा, देखो दिमाग, वाणी और हाथ, तो मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ, गलत वचन निकला, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं, प्रायश्चित कीजिएगा, प्रतिक्रमण कीजिएगा, फिर सोइएगा। आत्म तत्व को अगर अपन में से हर व्यक्ति याद रखेगा कि मैं आखिर एक आत्मा हूं, वो व्यक्ति अगर भोजन भी करेगा ना,
तो भोजन करते हुए भोजन के प्रति आसक्त नहीं होगा, व्यापार करेगा तो व्यापार के प्रति मूर्छित नहीं होगा, अपने आप व्यापार में भी उसके अनासक्ति का फूल खिल उठेगा, राग द्वेष उसके द्वारा हो ही ना पाएंगे, क्योंकि पता है मैं आखिर एक आत्मा हूं और मुझे दूसरों का वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे कि आत्मा का सम्मान करता हूं। शमशान में जाओ ना भाई, तो शरीर को देखकर, मृत शरीर को देखकर तुलना कर लीजिएगा, मैं अभी जीवित हूं और ये मृत है, क्या फर्क है, क्या फर्क है। शमशान से जब लौटो तो ये कहकर मत लौटना कि आज मेरे ससुर जी गए, बल्कि ये बोध लेकर के लौटना कि आज मैं जग गया, मेरी आत्मा जग गई, क्योंकि मुझे बोध हो गया एक ऐसा तत्व है जिसके कारण मैं जीवित हूँ, जिसके कारण मैं जीवित हूँ। चलो आंखें बंद करो, अपन सब शमशान में चलते हैं दो मिनट के लिए, आंखें बंद कीजिए, शमशान में चलते हैं सब लोग, बिल्कुल हल्के हो जाओ, शमशान में चलते हैं, आंखें बंद करो। देख लो यहाँ आसपास में कहाँ है शमशान, मन ही मन वहाँ तक चलते हैं, देख के आ जाओ कहाँ शमशान है, वहाँ की क्या व्यवस्था है, वहाँ कैसी लकड़ियाँ पड़ी है, कैसी राख पड़ी है, अब तक वहाँ कितने लोग जलाए जा चुके हैं, सब एक नज़र डाल के आ जाओ सब पर, उन पर भी नज़र डाल के आ जाओ जिनको आपने अपने हाथों से अब तक जलाया है, सबको देखकर अपने पास लौट आओ, अपने शरीर पर ध्यान दो, सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर पर ध्यान दो, और ध्यान देकर देखो कि जिस दिन ये शरीर भी गिर जाएगा तब हमारी स्थिति क्या होगी। तब किस तरह से लोग हमारे घर में एकत्र होंगे, किस तरह से हमारे भाई बंधु हमारी अर्थी सजाएंगे, और किस तरह से हाथ में हंडी लेकर हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। देखो, जागरूकता पूर्वक देखो, दो पल के लिए समझ लो आपका शरीर छूट चुका है, परिजन हमारे शरीर को अर्थी पर सजा रहे हैं, बांध रहे हैं, अपनी मृत्यु को देख आना संसार में रहते हुए भी संन्यास का फूल खिलाने के समान है। बिल्कुल मृत शरीर की तरह अपने आप को निढाल कर दो, समझो अर्थी सज गई है, उठने वाली है। अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। जीवन की सांसों पे है जोर भला किसका, जीवन की सांसों पे है जोर भला किसका, कब रुक जाएगी ये है पता नहीं इसका,
जीवन की सांसों पे है जोर, भला किसका कब रुक जाएगी ये है पता नहीं इसका। प्राणों के निकलते ही दुनिया ही जुदा होगी, प्राणों के निकलते ही दुनिया ही जुदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। कुछ लोग तेरे तुझको कांधों पे उठाएंगे, कुछ लोग तेरे तुझको कांधों पे उठाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। कुछ लोग तेरे तुझको कांधों पे उठाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। इस तरह जमाने की हर रस्म अदा होगी, इस तरह जमाने की हर रस्म अदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। माँ बाप बहन भाई चुप चुप कर रोएंगे, माँ बाप बहन भाई छिप छिप कर रोएंगे, बेजान समझ तुझको, बेजान समझ तुझको, सारे मुँह मोड़ेंगे। माँ बाप बहन भाई छिप छिप कर रोएंगे, बेजान समझ तुझको, सारे मुँह मोड़ेंगे। शमशान ही घर होगा तब, शमशान ही घर होगा, सोने को चिता होगी, शमशान ही घर होगा, सोने को चिता होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। तेरे ही तब तुझको सब आग लगाएंगे, तेरे ही तब तुझको, कोई और नहीं बल्कि अपने ही, तेरे ही तब तुझको खुद आग लगाएंगे,
बारह दिन गम होगा फिर भूल ही जाएंगे, तेरे ही तब तुझको खुद आग लगाएंगे। बारह दिन गम होगा फिर भूल ही जाएंगे, उतना ही बसेरा है जो रब की रजा होगी, उतना ही बसेरा है जो रब की रजा होगी, एक अलग समा होगा एक अलग फिजा होगी। अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा एक अलग फिजा होगी। एहसास कीजिए जैसे ये शरीर जल रहा है, चिता जल रही है, और शरीर के साथ हम अपने जीवन के सारे पापों को, दोषों को, राग द्वेषों को जला करके अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध निर्मल कुंदन बना रहे हैं। जब सबको जाना है फिर क्यों उलझे हैं हम, जब सबको जाना है फिर क्यों उलझे हैं हम, दो दिन की जिंदगी में जाने कब निकले दम। जब सबको जाना है फिर क्यों उलझे हम, दो दिन की जिंदगी में जाने कब निकले दम। हे चंद्र जियो ऐसे, हे चंद्र जियो ऐसे, जो कल ही विदा होगी। हे चंद्र जियो ऐसे, जो कल ही विदा होगी, एक अलग समा होगा एक अलग फिजा होगी। अर्थी जिस दिन ये तेरी दुनिया से विदा होगी, एक अलग समा होगा एक अलग फिजा होगी। उस पल को याद करो और याद करके भीतर में ये सत्य, ये आत्म सत्य का बोध अपने भीतर से मुखरित होने दो। सोहम 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 सोहम, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। केवल इस सत्य को याद रखो और अपना शेष जीवन आनंद पूर्वक जियो। केवल एक ही बोध, आखिर मैं आत्मा हूँ, शरीर को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। आंखें खोल लीजिए, सभी खड़े हो जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।